सर्वा कि पाके वरदान शिव शंकर से बाणासुर हो के बलवान हो गइल है अत्याचारी जोश में उड़ल होश केहुओ पकड़े रोश गुरुजी से आके बोलता ते दुराचारी शंकर जी हंसे लगले मनवे में बसे लगले शंकर जी हंसे लगले मनवे में बसे लगले अच्छा नहीं में मोती मारी दिहल त्रिपुरारी बाणासुर शंकर भगवान के आराधना खोल सा खुश भनिहा कहने की बर मांग तब शंकर जी से का कहता कहता कि सुनी भोला दानी बतिया आर सच कहता नी केहू लड़ते नहीं खे आके करा से हथवा हम मिलाई केहू लड़ते नहीं खे जोर बताओ आना तो लड़े खातिर शंकर जी कहनी हा कि लो है झंडा अपन राजधानी सोनपुर में गाड़ दी हो आ जब झंडा के कोर केनियो झुक जाई तो जन हो जे तरह से वीर लड़े वाला तैयार हो गई कैसे कहता नी कि जहिया झंडा के कोर झुक जाई तो जनी हो की जोर आ गई चलो आर जहिया झंडा के कोर झुक जाई तो जनी हो की जोर आ गई तहरा बबुनी के संगयाल पिटाई आ तहरा बबुनी के संगे लपिटाई तो जनी हो की बेजोर आ गई आया गावा चलला पराह ना बुझाई तो जनी हो कि मोया गई आया गावा चलला पराह
बेटी उषा पढ़े खातिर ट्यूशन पार्वती जी के यहाँ जात रही हा। एक दिन देखली हा कि पार्वती जी या शंकर जी संग ही बिहार करता लो, तो अपना मन में कल्पना कैली हा कि यदि हमारो शादी ब्याह भय रहित तो असह्य मनोज बाबा हम अहू कंचन चरिती। कैसे भाव बाम कि यदि मोर रहिते आर सजनवानु हो आ करती संग ही बिहार। चल आर यदि मोर रहिते सा जनवानु हो करती संग ही बिहार। बाकी सपना में कैसे कहतरी आर मन के मनोरथ आरे सफल हो जाई सपने में सजनवा आ जाई है। चलो बबुआ आरे मन के मनोरथ सफल हो जाई सपने में सजनवा आ जाई के मनोरथ सफल हो जाई आ सपने में सजनवा आ जाई है। ए हे आ रूपय अनुरूप स्वरूप मिल जाई रूपय अनुरूप स्वरूप मिल जाई सहारा से बिटिया मिल जाई आ तहरा से प्रीतिया लाज है।
झियो आ कहतार मैना की बसी जइबु नैना कहतार मैना की बसी जइबु नैना तहारा के सुहागिन बना जाय ए कहतार ए कहतार मैना की बसी जइबु नैना तहारा से पीरतिया ला जाय है अब उषा रोज सपना में देखत रही कि अपना सजना के साथ बनी आ जब नींद टूटता तो खाटी के पाटी से भेंट होता तो भाव लागल उनकर एगो सखी रही चित्रलेखा कहलिए कि सखी का बात बा कि तहार चेहरा ऐसा दुबर पातर भइल जाता कैसे कहतारी कहतारी अरे भइल बा कौन बीमारी हो कह राज कुमारी चलो अरे भइल बा कौन बीमारी हो कह राज कुमारी कह का भइल बा कि खाइल पियल कुछ लागत नहीं खेओंगे आ मालूम होता फसल बाड़ू कौन के संगे चल अरे खाइल पियल कुछ लागत नहीं खेओंगे मालूम होता फसल बाड़ू कौन के संगे चित्रलेखा से पूछतारी कि ये सखी का बात बा कि दिनों पर दिन तहार चेहराई फूल लेखा जौन बातन मुरझाई जाता कैसे कहतारी अरे ढूकल कौन बीमारी आई का कोइलू राजकुमारी की चूके अरे चांदी काटेलू कि मालम
उषा चित्रलेखा से कहतारी कि कह ये सखी का बात बा, तब कहतारी कि ये सखी का कही कुछ का हाथों नहीं खे अबे कह कैसे कहतारी उषा अपना सखी चित्रलेखा से कहतारी कि रतिया सपने में हो रतिया आर सपने में सैया हमार आरे अहिले ये सखी रतिया चलो रतिया सपने में सैया हमार आरे अहिले ये सखी रतिया चिन्हाव तारी कि चिन्ह में के हो तो भाव लागल चित्र बनाओ तारी चिन्हाव तारी कह तारी कि कौन होए तार सैया अरे चिन्ह सखी चल अरे कौन होए तार सैया कह सखी में आई ली चा की तो होई गई हो
रूप बनाव तारी आ चिन्हाव तारी चित्र बनावे लगल हा जब किस भगवान के बनवल लिहा तब कहलिए कि ये सखी श्यार न जगह पर आयल बड़ू। तब उनका बेटा प्रद्युमन जी के बनवल लिहा तो कहलिए कि ये सखी अब बुझा तक कि आठ न जगह पर आयल बड़ू। जब उनका नाती प्रद्युमन जी के बनवल लिहा तब कहलिए कि हाँ ये सखी अनुरुद्ध जी के, तब उनका नाती अनुरुद्ध जी के बनौल लिहा तो खखाई के भर कबारी धैल लिहा आ कहलिए कि हाँ ये सखी। तब कहलिए कि बताब फोटो पावला पतना आतना अगर आयल बड़ू तो मरद पैबू तो का करबू। तब तक नारद जी अनिहा आ कहतनि कैसे आर कन्हा से जे टकराई ओकर होई जाई विदाई हो। चलो आर कन्हा से जे टकराई ओकर होई जाई विदाई हो। द्वारिका में जोइब तो बाच के ना होइब ए आ हो जाई गर्दन सफाई ओकर होई जाई विदाई हो। चक्र रखवारी अरे दी बुझ बुझी छोड़ाई ओकर होई जाई विदाई हो। छले के जन बातन युद्ध होके लगल हा शंकर भगवान लास्ट में अनी हा आ शंकर भगवान से आ किस भगवान से लड़ाई होके त कैसे हो तो लड़ाई जो दुराई से होला तो भक्त के पाछा आके लड़ता रे भोला। लड़ाई जो दुराई से होला चलो तो भक्त के पाछा रे आके लड़ो तार भोला हो। लड़ाई आ जो दुराई से हो से बरी सत बाटे बार खाय सन बाल आर केहू से केहू झूक तरे नई खे आर दून हवे भगवान रे। लड़ाई जो दुराई से होला ए तजरी से जनी कबार हटे लावल मोला हो। लड़ाई आ जो दुराई
हाथ जोड़ी के श्याम सुंदर से कहले अघोड़दानी आर चल तई हमारे होते आर भइल बटे अभिमानी रे लड़ाई जो दुराई से होला लड़ाई जो दुराई से होला तो जरी से जोन का बार होते लावल मोला लड़ाई जो दुराई से तो एक बार प्रसंग ये खत्म होता एक बार प्रेम से सीताराम के बोलो भीतर के पर्दा खोलो सीताराम के बोला भीतर के पर्दा खोला।